देखो सीधे पॉइंट पे आते हैं, इंडिया की फर्स्ट वेयरवुल्फ मूवी, भेड़िया का मजा थिएटर में लेना चाहिए या नहीं। अब देखो ये कोई परफेक्ट मूवी नहीं है, पर उसके बाद भी भेड़िया वो मजा देती है जो एक मास कमर्शियल एंटरटेनमेंट से भरी मूवी को देना चाहिए, क्योंकि पॉप कल्चर का सबसे आदमखोर दरिंदा वेयरवुल्फ एक ऐसा डेडली फैसिनेटिंग कैरेक्टर है जिस पर रेयरली ही इंडिया के अंदर कभी मूवी बनी है। इस कहानी का नाम है भेड़िया। अब भेड़िया मूवी की स्टोरी की बात करें तो वरुण धवन एज भास्कर एक हरामी हार्डकोर टाइप का कॉर्पोरेट मैन होता है जो अरुणाचल प्रदेश में जाकर जीरो गांव में जंगल काटकर वहां पे सो कॉल्ड डेवलपमेंट करना चाहता है, जिसके लिए वो साम दाम दंड भेद के सारे हदों को पार भी कर देता है। पर एक नाइट मजाक में रजाक हो जाता है और भास्कर की जी फाड़ती हुए भेड़िया उसे काट लेता है। फिर इसके बाद किस तरीके से भास्कर का कैरेक्टर मूवी के अंदर इच्छाधारी आदमखोर मैन ईटर भेड़िया बनता है और किस तरीके से ये खूंखार भेड़िया तबाही मचाता है, इस हॉरर के टेरर को एक्सपीरियंस करने के लिए तुम्हें भेड़िया मूवी देखनी होगी, जिसमें कांतारा मूवी जैसे इपिक प्रकृति है तो प्रगति है जैसा कड़क मैसेज दिया गया है। अब देखो भेड़िया मूवी का सबसे बड़ा हाईलाइट था इसकी सिनेमेटोग्राफी और विजुअल्स। देखो हमने साउथ की खूबसूरती को तो एक्सप्लोर किया ही है, पर नॉर्थ ईस्ट के नेचर के भी अपने ही जलवे हैं, जिसकी सिनेमेटोग्राफी बहुत ही स्टनिंग की गई है भेड़िया के अंदर। पर जब बात आती है VFX और CGI की, सच कहूँ तो इतने कड़क विजुअल्स मैंने एक्सपेक्ट किए ही नहीं थे भेड़िया मूवी से। एक बार वो वरुण धवन का डेडली वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होने का वन टेक शॉट देखोगे तो उस कड़क ट्रांसफॉर्मेशन वाले शॉट को देख के तुम पूरी तरह से हिल जाओगे, जिसे मूवी के अंदर इनसेन लेवल पे कई बार दिखाया भी है। और मूवी के क्लाइमेक्स में जो भेड़िया गिरी देखने को मिलती है वो क्रेजी एक्शन और ट्रेजेडी से भरी भेड़िया की लव स्टोरी, यानी मूवी के एंडिंग में तुम बहुत ही इमोशनल हो जाते हो। इतने कड़क रियलिस्टिक भेड़िया मूवी के CGI VFX और विजुअल्स थे, जिसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का काम करता है इस मूवी का BGM, जिसे सचिन जिगर ने बनाया है। और ये बंदे हमेशा से ही आउट ऑफ द बॉक्स लेवल के क्रिएटिविटी करते हैं। हाँ, पर मैं इस बात को भी तगड़े लेवल पे मेंशन करना चाहूंगा, एक हॉरर कॉमेडी मूवी होने के बावजूद इस मूवी के अंदर हॉरर का यज भी देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा स्त्री मूवी की तरह भेड़िया मूवी के अंदर कोई भी शॉकिंग ट्विस्ट से पूरी तरह से हिला देने वाला एक भी मोमेंट देखने को नहीं मिलता। हाँ, पर क्योंकि मूवी की स्टोरी टेलिंग और फोकलोर के अंदर दम था और काफी पावरफुल इमोशनल एंडिंग होने की वजह से तुम इस बात को आराम से इग्नोर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे बड़ा नाम आता है अभिषेक बैनर्जी का। ये बंदा स्त्री मूवी का जनक का कैरेक्टर है और भेड़िया मूवी के अंदर बंदे ने अपनी कॉमेडी से पूरी तरह से तबाही मचा के रखी है। इस बंदे को मूवी का सेकंड लीड भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और वही वरुण धवन की बात करें तो इस बार बंदे ने डिसेंट काम किया है। वही बात करें कृति सनन की तो इस बंदे को जितना स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, और ये एक बड़ा रीजन है जिस वजह से हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं भास्कर की लव स्टोरी से, स्पेशली जब वो ह्यूमन फॉर्म में होता है। और अगर तुम ये सोच के जाते हो कि इस मूवी के अंदर गर्मा गर्म स्त्री का अपीयरेंस देखने को मिलेगा, तब तुम्हें थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकता है, क्योंकि ये टोटली भेड़िया की ओरिजिन और स्टैंड अलोन मूवी है और इसी वजह से पूरी मूवी के अंदर कोई भी स्त्री मूवी का रेफरेंस देखने को नहीं मिलता। हालांकि भेड़िया के कड़क पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर ये मूवी सीधे सीधे कनेक्ट हो जाती है स्त्री मूवी के साथ, जहाँ पे विकी का कैरेक्टर अपने दोस्त के साथ जना को मिलने आता है, जहाँ पे वो जना को बताते है कि स्त्री का केमिकल लोचा अब भी उसके अंदर है और वहीं से स्त्री 2 की अनाउंसमेंट हो जाती है। तो फाइनली यही कहूंगा कि भेड़िया एक ऐसी हॉरर कॉमेडी मूवी है जो पूरे मजे देती है और बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे की बात करती है, और जिस मूवी के अंदर वेयरवुल्फ जैसा फैसिनेटिंग और तबाह कैरेक्टर देखने को मिलता है तो उस मूवी का भौकाल ही नेक्स्ट लेवल का होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस मूवी के अंदर कोई भी गुलू गुलू वाला सीन नहीं है, तो इस मूवी को तुम फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो और बवाल भेड़िया मूवी का अखंड मजा ले सकते हो। तो इसी बात पे GBF का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक करना, दिमाग में बैठा हो तो सब्सक्राइब कर ही लेना, और इस वीडियो रिगार्डिंग कुछ बात करनी हो तो इंस्टाग्राम पर आ जाना। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नए कंटेंट के साथ, टेक केयर, गुड बाय। सेब समझ के चुतर चबा गया मेरे भाई का।